फ्रेंड्स, जब से आए हैं डॉली जी हमारी रोए जा रही हैं, रोए जा रही हैं, बहुत ही इमोशनल हो रखी हैं जी। अब देखिए, मैं कुछ इसके अंदर कर ही नहीं सकता, अगर मैं कर सकता तो मैं ज़रूर करता जी। पता नहीं कैसे रह रही होगी। चलो जी फ्रेंड्स, अब व्लॉगिंग नहीं हो पाएगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो जी आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे बच्चों के साथ, बच्चों के स्कूल के साथ। तो जी रिद्धि और सिद्धि के स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, ऑनलाइन चल रहे थे, अब हैं ऑफलाइन स्टार्ट हो गए हैं जी। और जी एक खुशखबरी ये है कि हमारी छोटी बेटी सिद्धि का भी एडमिशन हो गया है रिद्धि के स्कूल में। तो जी रिद्धि सिद्धि दोनों जाएंगे स्कूल, लेकिन बस थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो ये है कि जी रिद्धि को पहले छोड़ के आना पड़ेगा और सिद्धि को बाद में। तो जी ये प्रॉब्लम हम लोग के लिए क्रिएट हो गई है, क्योंकि हमने स्कूल से वैन वगैरह नहीं लिया है, हमने स्कूल वालों को बोला था हम खुद ही छोड़े हैं, क्योंकि घर स्कूल जो है बिल्कुल पास में ही है। तो जी खुद ही छोड़ के आना पड़ेगा। और रिद्धि हमारी होगी है रेडी, और सिद्धि जस्ट अभी उठी है। सिद्धि सिद्धि, बड़ी बहन को क्या बोलना चाहोगे? बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहोगे? तो जी बेस्ट ऑफ लक है तीनों को, क्योंकि इन तीनों की मेहनत है स्कूल जाने में, मेरा तो बहुत ज्यादा कोई योगदान नहीं है। और एक बात की खुशी है कि रिद्धि जो है स्कूल जाने में बड़ी खुश है, पहला दिन है। और सिद्धि भी, सिद्धि रिद्धि बचपन से ही कभी भी इसने स्कूल जाने के लिए तंग नहीं किया। और सिद्धि हमारी सिद्धि तो जी फर्स्ट टाइम स्कूल जाएगी, देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। तो चले आज है रिद्धि का पहला दिन स्कूल का, फर्स्ट डे ऑफलाइन। वैसे तो स्कूल पहले भी गई है कोरोना से पहले, लेकिन आज फिजिकली स्कूल में पहली बार जाना हो रहा है। तो जी रिद्धि है बहुत ही ज्यादा सुपर डुपर एक्साइटेड, रात को भी एकदम एक्साइटेड सोई थी और सुबह अपने आप ही जल्दी उठ गई। तो जी लेकिन रिद्धि के पास नहीं है स्कूल ड्रेस, क्योंकि स्कूल में हो रखी है ड्रेस फिनिश। तो जी दो तीन दिन बाद आएगी, तब आपको हमारी रिद्धि मिलेगी स्कूल ड्रेस में प्रॉपर। तो जी रिद्धि, आर यू हैप्पी? यस आई एम सो हैप्पी। ओह गुड गुड गुड। तो चलिए जी फ्रेंड्स, चलते हैं पहले रिद्धि को ड्रॉप करने, फिर एक घंटे बाद सिद्धि को ड्रॉप करने आना पड़ेगा। और सिद्धि का तो प्रॉपर ही फर्स्ट डे, क्योंकि सिद्धि तो हमारी कभी स्कूल गई नहीं। हाँ बेटा फर्स्ट डे है। तो चलिए जी फ्रेंड्स, पहले रिद्धि को ड्रॉप करते हैं। ओ आजो 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 बेटा, भगवान जी ने आपको आशीर्वाद दे दिया। तो जी आज हमारी अच्छा बुद्धि तो बेटा, हमें बुद्धि तो बहुत है। चलो आजो फिर। तो जी फ्रेंड्स, हमारी सिद्धि भी होगी है रेडी स्कूल जाने के लिए। ये देखिए हमारी सिद्धि की कितनी क्यूट क्यूट ड्रेस, दिखाओ सिद्धि। ये बहुत भारी हो गया। अरे झूठ बोल रही है, एक भी बुक नहीं है। सिद्धि लाई है नया नया बैग और नए नए बैग और नई नई बुक्स के साथ जाएगी सिद्धि स्कूल। और स्कूल का है आज पहला दिन, और सिद्धि का एडमिशन हुआ है रिद्धि के ही स्कूल में। तो जी अगर सिद्धि को किसी ने कुछ कहा तो रिद्धि उसको छोड़ेगी नहीं। कमेंट्स करके बच्चों का हौसला बनाइए और बच्चों को लिखिए ऑल द बेस्ट। ये तो जी सिद्धि पहुंच गई है। तो जी सिद्धि पहुंच गई जी अपने स्कूल, और देखिए कितनी हैप्पी है, फर्स्ट डे है सिद्धि का स्कूल का। तो चलिए 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 सिद्धि चलो। हाँ बहुत खुश है जी। यहाँ से कूद के गए बेटा, गेट से जाओ। चलो जी है, हाँ मैं चलो, मैं भी साथ चल रहा हूँ। तो जी हमारी सिद्धि है बहुत ही ज़्यादा खुश, उम्मीद नहीं थी कि स्कूल जाने से पहले इतना खुश होगी। डर लग रहा था मैं तो कहीं रोए ना, क्योंकि अकेली कभी निकली नहीं है। जल्दी आ रहा हूँ बेटा, जल्दी आ रहा हूँ, जल्दी आ रहा हूँ। तो जी 9 बजे का टाइम है स्कूल में पहुँचने का, और हम लोग 10 मिनट पहले पहुँच गए हैं, इसीलिए बिल्कुल भी रश नहीं है। अभी बच्चे आना स्टार्ट हुए नहीं है। हाँ 10 मिनट पहले जा रही है जी हमारी सिद्धि। हाँ वैसे कुछ पेरेंट्स तो खड़े हैं। ओ सिद्धि हमारी बहुत ही क्यूट लग रही है। तो जी फ्रेंड्स, अब हम सिद्धि को हैंडओवर कर रहे हैं मैम को। दिल नहीं कर रहा जी, बस
अच्छा सा नहीं लग रहा कुछ, क्योंकि सिद्धि बहुत टाइम के बाद हमसे अलग हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे अलग हो रही हो, वो आप समझ सकते हो एक पेरेंट्स की फीलिंग्स। फ्रेंड्स, जब से आए हैं डॉली जी हमारी रोई जा रही हैं, बहुत ही इमोशनल हो रखी हैं जी। अब देखिए, मैं कुछ इसके अंदर कर ही नहीं सकता, अगर मैं कर सकता तो मैं ज़रूर करता जी, मैं उनको संभाल ही नहीं पा रहा हूँ जी। मेरे को भी कह रही हैं कि आप मेरे पास मत आओ, आप दूसरे रूम में जाओ। अब जी, बहुत ही मुश्किल होता है जिनकी बेटियाँ होती हैं उन पेरेंट्स के लिए, दो टाइम बड़े मुश्किल होते हैं उनके लिए, एक फर्स्ट डे बेटियों को स्कूल भेजना और दूसरा जो मुश्किल टाइम होता है उनकी विदाई का। तो जी बहुत ही मुश्किल होता है। आज जी मतलब दिल को एक झटका सा लगा था जब हमने सिद्धि को मैम को हैंड ओवर किया ना, तो बड़ा झटका सा लगा, हम दोनों बहुत ही इमोशनल हो गए। तो चलिए जी, डॉली जी के पास जाके आपको दिखाता हूँ जी। तो ये देखिए जी, हमारी डॉली जी बैठी हैं और ये सुबह से इमोशनल रखी हैं, सुबह से ज़्यादा इमोशनल रखी हैं। इनको मैं समझा रहा हूँ लेकिन समझती नहीं। पहले अच्छा खुद ही ये बोलती थी कि बहुत शोर मचाती हैं रिद्धि सिद्धि, बहुत ज़्यादा शोर मचाती है। अब इन्हें देख लीजिए, रिद्धि सिद्धि चली गई हैं, तो ये हो गई हैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल। क्यों भाई, याद आ रही है, ले आए बच्चों को स्कूल से हैं? हमारे टाइम में तो जी हम लोग स्कूल से भाग जाते थे। आजकल के बच्चों को तो जी पूरा टाइम देना पड़ता है, बाहर सिक्योरिटी गार्ड होता है, ऊंची दीवारें होती हैं। अब जी वही है कि बच्चे अब थोड़ा सा, हालांकि वो 2-3 घंटे के लिए गए हैं, लेकिन पेरेंट्स तो पेरेंट्स ही है जी। मतलब हमारे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं कि हमने बच्चों को कभी अकेले छोड़ा हो। और गए भी 2 साल के बाद है ना स्कूल। हाँ, सिद्धि तो खैर फर्स्ट टाइम गई है स्कूल, बड़े स्कूल में फर्स्ट टाइम गई है। और बस मतलब बहुत ही मुश्किल था जब उसको बाय बाय हम लोग कर रहे थे ना, जब मैम ने लिया, बहुत ही मुश्किल था। मेरे से तो व्लॉगिंग ही नहीं हो रही, तभी मैंने बोला था कि मैं कैमरे में नहीं आऊंगा। क्या करें जी, क्या करें, बच्चों को तो वैसे भी कभी हमें छोड़ती नहीं है, कभी नहीं छोड़ती। चलो, जब जैसे ही आंटी ने उसका हाथ पकड़ा तो एकदम वो हो गई शांत, कैसे रह रही होगी। चलो फ्रेंड्स, अब व्लॉगिंग नहीं हो पाएगी। तो गाइज, 2 घंटे मैं कह रही हूँ कि पता नहीं 2 बरसों के बराबर निकले हमारे, और फाइनली 2 घंटे हो गए हैं और हम जा रहे हैं सिद्धि को लेने, और रिद्धि की छुट्टी अभी 1-2 घंटे के बाद होगी उसके। तो जी अब मैं बड़ी मैं बहुत ज्यादा मतलब कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ, मैं क्या बोलूँ। और वैसे अगर बच्चे होते हैं, रिद्धि सिद्धि अगर हमारे पास होते ना, तो हम लोग कहते हैं कि अरे यार टाइम कैसे बीत जाता है, पता नहीं चलता, सारा टाइम तो हमारा बच्चों में चला जाता है। और अब जब बच्चे नहीं है तो हम कह रहे हैं जी 2 घंटे बीत ही नहीं रहे थे। मैं बार बार हम लोग बार बार अपना टाइम देख रहे थे, फोन उठा के कभी घड़ी में, मतलब बहाने बहाने से टाइम देख रहे थे कि कब टाइम बीते और कब कब बच्चे घर आए। तो जी बच्चों से ही रोना कह जी, बच्चे नहीं है तो बस बहुत ही मुश्किल हो जाता है हम लोगों का टाइम काटना, क्योंकि उनकी इतनी आदत पड़ गई है, उनकी इतनी आदत पड़ गई है, सोते जागते बस उन्हीं का चेहरा आगे बच्चे ही रहते हैं। तो मैं भी अगर देर के लिए ओझल हो गए आंखों से, तो पता नहीं ऐसा लग रहा कि जिंदगी सी खत्म हो गई, जिंदगी सी रुक गई। अगर ऑफिस के काम से कहीं बाहर जाता हूँ, कोई बाहर का असाइनमेंट मिल जाता है ना, तो कम से कम 10 वीडियो कॉल में दिन की रिद्धि सिद्धि को करता रहता हूँ, वो भी मुझे करती रहती है, पापा कहाँ हो, दिखाओ कहाँ हो। तो जी बस बच्चों की जी बहुत ही ज्यादा आदत पड़ी हुई है हम लोगों को। तो जी तो चलते हैं सिद्धि को लेते हैं और सिद्धि की दिखाते हैं रिएक्शन। बस मैं ही गॉड से बोलूंगी कि बस हैप्पी हो निकले, क्योंकि जब उसको छोड़ा था तो वो सैड हो गई थी, हल्की सी सैड हो गई, हल्की सी, वैसे मतलब रात से बहुत खुश है। जैसे कहते हैं ऐसे हाथ छूटता है, तो जब मेरा हाथ छोड़ के आंटी ने उसका हाथ पकड़ा ना, एकदम बिल्कुल वो हो गई थी। तब देखते हैं बस हैप्पी निकले। और मैंने बोला था बेटे फ्रेंड्स बनाना, मैम से अच्छी सी बातें करना, खूब सारी बातें करना। वैसे तो हमारी सिद्धि बोलने की जरूरत नहीं है, बाहर जाके बच्चे हमारे फर्स्ट टाइम नहीं इतनी बात करते, ऐसी बात नहीं है। तो जी चलते हैं, दिखाते हैं सिद्धि का रिएक्शन। चलिए जी स्कूल। तो गाइस पहुंच गए हैं स्कूल, और आपको एक बात और बताना चाहूंगी, हम मॉर्निंग में जब सिद्धि को ड्रॉप करने आए थे तब भी 10 मिनट पहले आ गए थे, और अब हम लेने आए हैं उसको तब भी 10 मिनट पहले आ गए। एक पेरेंट्स अपने बच्चे को बाहर लेके निकले हैं, डॉली जी ले रही है फीडबैक। कैसा रहा, कैसा नहीं रहा, छोटी सी बच्ची से पूछ रही है। बच्चों का निकलने का टाइम हो गया, सब एकदम गेट की तरफ भागते हैं, देख लीजिए गेट पे हो गई एकदम भरपूर भीड़। हम भी एकदम भागे, 3-4 बार ऐसा हो चुका है, क्योंकि ड्रेसेस वगैरह बुक वगैरह भी ले रहे हैं ना, तो इसलिए गेट बार बार खुल रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब सिद्धि को लेके आते हैं, हमारा भी नंबर आ गया है,
सेक्शन वाइज बुलाया जा रहा था। ये देखिए जी हमारी सिद्धि। ओ सिद्धि, हेलो। जी हमारी सिद्धि आ गई है। अच्छा वहां से आएगी, आ जाओ बेटा। बहुत ही खुश आई है जी हमारी सिद्धि। अच्छा उधर से आना है, आ जाओ। ये देखो इसकी मस्तियाँ चालू हैं, ये सब बच्चों को मस्ती करना सिखा देगी हमारी सिद्धि। चलो आ जाओ अब बेटा, वहाँ चले। बच्चों का एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है जी। आ जाओ बेटे, आ जाओ। तो जी फ्रेंड्स, एक लॉट हमारा आ गया है, छोटा वाला लॉट। और ये बड़ा वाला आना बाकी है, तो बड़े वाले का एक्सप्रेशन भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। वो तो ज्यादा घबराई हुई, उसकी टाइमिंग बहुत ज्यादा है। पुच्ची कर दे, पुच्ची कर दे, सबकी तरफ से पुच्ची कर दे। मेरे को नहीं करेगी, मेरे को नहीं करेगी, मुझे नहीं करेगी। अपनी चिट्ठी को बेटा आते पहले दिन स्कूल पर पापा को हमारी हैप्पी हैप्पी आई है सिद्धि। वो एक बात और बताओ, और सारे बच्चे सब हैप्पी थे या कोई बच्चा रो तो नहीं रहा था? रो रहा था। कितने बच्चे रो रहे थे? इतने। तू? अच्छा कैसे रो रहे थे? एक बच्चा आया रोटी पे, उसकी मम्मा घर चली गई थी, फिर ऐसे रो के आई। तो जी फ्रेंड्स निकल गए हैं अपने सेकंड लॉट को लेने। आज तो जी चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर। पहले हमने छोड़ा था रिद्धि को, फिर छोड़ने गए सिद्धि को, फिर सिद्धि को लेके आए हैं, अब रिद्धि को लेने जा रहे हैं। आज तो समझ ही नहीं आ रहा आज हो क्या रहा है हमारे साथ। और सिद्धि देख लो इतनी थक गई थी, फिर भी कह रही थी मैंने दीदी को लेने जाना है। सिद्धि सो गई है, गाड़ी में बैठते ही सो गई है। कहती है दीदी को लेने जाना है, मैंने कहा रहने दो बेटे घर पर हो दादी दादू के पास। कहते नहीं मैंने भी जाना है दीदी को लेने। और जी सो गई है, जैसी घर से निकली है तो सो गई है। तो जी देखते हैं रिद्धि का रिएक्शन। मेरे को रिद्धि के लिए मेरे को बहुत ज्यादा, मैं टेंशन में हूँ क्योंकि रिद्धि का बहुत ज्यादा लंबा टाइम हो गया था, 8 to 2:15 है ना, 8 से लेकर 2:15 तक। बहुत ज्यादा लंबा टाइम था फर्स्ट डे के हिसाब से। तो चलिए जी, एनी हाउ सबके लिए एक जैसा ही रूल है। चलते हैं जी रिद्धि को लेने और आपको दिखाते हैं रिद्धि के रिएक्शन। तो जी फ्रेंड्स स्टोरी गई है रिद्धि को लेने और आप हमारी सिद्धि देखिए। देखिए पंजाबी जुत्ती पहनी हुई है इसने, और पंजाबी जुत्ती पहन के सो गई। मैंने कहा था बेटा पंजाबी जुत्ती उतार दो अपनी, करनी पापा यही पहनना है, और थक के सो गई है जी। बहन को लेने आई थी अपनी बड़ी खुशी खुशी कि मैं रिद्धि को देखूंगी, कि रिद्धि की फेस की एक्साइटमेंट देखूंगी। और खुद सो गई है। आई फोन किया मैंने डॉली को, डॉली कह रही बस निकल गई है वहाँ से गेट से लेके, और मैं तो जी यहाँ पार्किंग में कहीं गाड़ी साइड लगा के खड़ा हूँ पेड़ के नीचे। अभी दिखाता हूँ आपको, वो देखिए वो आ रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरा करके। ये देखिए जी ये गाड़ी के पीछे से आ रहे हैं। हाँ ये देखिए रिद्धि, रिद्धि, ये देखिए जी हमारे रिद्धि। हेलो रिद्धि, हाउ आर यू? दे दूंगा। कैसा रहा बेटा? बहुत अच्छा रहा स्कूल। फ्रेंड्स बना के आई, ये देखो जी सब्सक्राइबर भी मिल गए हैं। सब्सक्राइबर मिल गए, दो सब्सक्राइबर मिल गए। आपको देखा हुआ लग रहा है, मैंने कि मैम ऑनलाइन क्लास में, कह रही नहीं नहीं बहुत ज्यादा देखा हुआ लग रहा है। तो मैंने कि मैम हमारा चैनल। ये लिपस्टिक कैसे लगी है रिद्धि के? मम्मा बेटा एक बार दिखाओ मम्मा। ये देखा हुआ लग रहा है हमारी सिद्धि, सिद्धि उठ गई है सिद्धि। आप चिलपिल ये लो, ये सिद्धि बड़ी खुश होकर खाती है चिलपिल। चले जी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। चलो जी अब चलते हैं।